Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Manoti Srivastava. Hope you all are fine and safe and using your time. स्टूडेंट आज की वीडियो कुछ स्पेशल है, कंटेंट के मटेरियल से नहीं, शूट करने के मटेरियल से, बिकॉज आज की वीडियो ऐसे शूट की गई है जिसमें मुझे भी मजा आया है। एक्चुअली मैं स्टक हो गई थी एक ट्रैफिक जैम में और वहां पे मैंने सोचा उस टाइम को यूज करते हैं और ये वीडियो आप लोग के लिए हम शूट किया। तो चलिए बात करते हैं कि क्या होता है इक्वालिटी एंड इक्विटी और कैसे इक्विटी एंड इक्वालिटी रिफर करता है या जेंडर पे इसका क्या रोल आता है, तो इस पे आज की वीडियो में हम बात करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले हम इक्वालिटी को समझेंगे कि इक्वालिटी एग्जैक्टली होती क्या है, क्योंकि नॉर्मली हम जब देखते हैं तो इक्वालिटी और इक्विटी ये दोनों ही सेम हम वर्ड समझते हैं और कहीं ना कहीं हम इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। इवन हायर लेवल पे भी अगर हम बात करें, बच्चों से इसके बारे में क्लियरेंस लें, तो दे आर कंफ्यूज। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं इक्वालिटी यानी कि समानता होती क्या है। द राइट टू इक्वालिटी प्रॉपर इज अ राइट टू इक्वल सेटिस्फेक्शन ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स इंक्लूडिंग the need to develop and use capacities which are specifically human. तो हर ह्यूमन बींग के लिए वो बेसिक नीड जो कि उसके ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, उसका इक्वली सेटिस्फेक्शन होना, उसका इक्वली एक तरीके से आप कह सकते हो सब में डिस्ट्रीब्यूशन होना इज कॉल्ड इक्वालिटी, यानी कि उसे हम समानता कहते हैं अकॉर्डिंग टू डी रामफेल। अब क्या होता है जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो इक्वालिटी में कुछ चीजें हम दरकिनार करते हैं, उसको हटाते हैं, कुछ चीजों की एब्सेंस होती है, तो दे आर एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज। अगर हम किसी को स्पेशल प्रिविलेज दे रहे हैं तो उसको अगर हम हटाते हैं तो हम इक्वालिटी ला सकते हैं। एडुकेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सभी लोगों के लिए पर्याप्त अपॉर्चुनिटी अगर हम क्रिएट करते हैं तो उसे हम इक्वालिटी के दर्जे में रख सकते हैं। एंड मिनिमम एंड अर्जेंट क्लेम ऑफ ऑल मस्ट बी मेट, लोगों के लिए मिनिमम मतलब कम से कम और जितनी ज्यादा ज्यादा रिक्वायर्ड चीजें हैं वो अगर मिल सके तो उसे हम समानता या इक्वालिटी के दायरे में रखते हैं। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। स्टूडेंट्स इक्वालिटी के मायने को समझने के बाद हम बात कर लेते हैं कि जो इक्वालिटी होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो देयर आर बेसिकली सिक्स टाइप ऑफ इक्वालिटी। फर्स्ट वन इज लीगल इक्वालिटी और सिविल इक्वालिटी, सेकेंड वन इज पॉलिटिकल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक, नेचुरल और नेशनल इक्वालिटी। यानी कि इन सब एरियाज में जब हम समान अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करते हैं मिनिमम और समान उन सबके लिए जो कि नीडी है तो उसे हम कहेंगे इक्वालिटी एंड टाइप्स ऑफ इक्वालिटी। स्टूडेंट इक्वालिटी के मायने को समझने के बाद अब हम बात कर लेते हैं इसका जो सेकेंड हमारा टॉपिक है इक्विटी यानी कि समता। समता और समानता में बेसिकली एक प्रोसेस का ही अंतर है। वन थिंग इक्विटी यानी कि समता एक प्रोसेस है, इक्वालिटी उसका आउटकम है। अगर हमने इस प्रोसेस को अपना लिया तो कहीं ना कहीं हम समानता देखेंगे उस समाज में जिसकी हम कल्पना करते हैं। तो समता आएगी कैसे? समता आएगी इक्वालिटी से। तो इक्विटी है क्या यानी कि समता क्या है? समता encompasses a wide variety of educational model programs or strategy that may be considered fair but not necessarily equally. एक ऐसे educational model, अगर हम education के sense में बात कर रहे हैं, educational models हो, programs हो, strategies हो, जो कि consider हो fair, किसी में वहाँ पे पक्षपात ना हो, समता हो, equally हो, male female, higher lower, rich and poor, उस हिसाब से अगर हम उसमें biasness नहीं करते हैं, सबको fairness दे रहे हैं उस प्रोग्राम उस मॉडल का और सब तक वो पहुंचा रहे हैं, इट इज अ प्रोसेस अगेन, तो वो कहीं ना कहीं उसका जो रिजल्ट होगा वो इक्वालिटी हमें मिलेगा। द रिजल्ट is become equality and the process is equity. हमने अपने second statement में इसको clear किया है। जब हम समानता की बात करते हैं तो समानता यूं ही नहीं आ जाती, तो उसका एक process होता है। जो process होता है उसे हम समता यानी कि equity कहते हैं और जो हमें उसका result मिलता है वो हमें समानता के रूप में मिलता है। तो this is the basic difference between equality and equity. I hope ये आपको clear हुआ होगा। सो स्टूडेंट जैसा कि हमारा टॉपिक जेंडर से रिलेटेड था तो हम बात कर लेते हैं जेंडर में इक्विटी एंड इक्वालिटी क्या होती है। जेंडर इक्वालिटी रिफर टू इंश्योरिंग एवरीवन गेट द सेम रिसोर्स, सभी को समान संसाधन मिले रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, वेयर एज द जेंडर इक्विटी एम टू अंडरस्टैंड द नीड टू ईच जेंडर एंड प्रोवाइड देन with what they need to succeed in a given activity or sector. यानी कि हर एक gender की क्या need है उसको समझना, उसके आधार पे activity या program या model बनाना और वो सारे resource सबको उपलब्ध कराना ही आपकी gender equality का रास्ता तय करता है। तो this is the basic difference between gender equality and equity. और I hope student आपको ये concept clear हुआ होगा। चलते हैं
मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन यू टेक केयर योर सेल्फ. बाय.